स्विफ्ट एक स्ट्रांग प्रोडक्ट है मारुति का अपने हैचबैक सेगमेंट के अंदर, जो कि 15 ईयर से मार्केट के अंदर रूल कर रही है। वहीं अब टाइम आ गया इसके एक फेसलिफ्ट का। रिसेंटली इसको फेसलिफ्ट किया गया था, बट अब 2020 के अंदर इसको और फेसलिफ्ट किया जाएगा, जो कि आपको अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट वर्जन 2020 के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, इसकी प्राइसिंग और क्या इसकी लॉन्च डेट होने वाली है। सो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही एक बेस्ट प्लेस है कार से रिलेटेड न्यूज़, रिव्यूज़ और वॉक अराउंड्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक लॉन्च डेट की। सो इसकी लॉन्च डेट है अप्रैल 2020, वो भी इसीलिए क्योंकि जो BS4 इंजन्स हैं वो अप्रैल 2020 के बाद सेल आउट नहीं होंगे। सो इसीलिए स्विफ्ट के लिए BS6 इंजन नॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि अप्रैल के बाद हम इसको लॉन्च करेंगे विद न्यू BS6 नॉर्म्स। अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा BS6 कंप्लाइंट इंजन, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर K12B पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 3 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। माइलेज हाईवे पर इसकी जो कंपनी क्लेम करती है 22 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज क्लेम करती है। वहीं सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसके अंदर 1.0 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन जो बेलेनो RS के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सेम वही इंजन इसके अंदर डाला जाएगा जो जनरेट करेगा 103 BHP की पावर। वहीं इसके अंदर आपको इस बार CNG ऑप्शंस भी अवेलेबल होगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि जो डीजल इंजन है उसी की अभी तक कोई भी डिटेल नहीं आई है। इंजन रिफाइनमेंट के बाद और BS6 नॉर्म करने के बाद इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो गई है। 15,000 rupees टू 20,000 rupees तक का आपको हाइक देखने के लिए मिलेगा सभी वेरियंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 5.14 lakhs LXi का ex-showroom प्राइस है, तो इसमें आपको 15,000 और 20,000 प्लस करके 2020 स्विफ्ट मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ फेसलिफ्ट वर्जन होने वाला है और इसके अंदर आपको बॉडी एलिमेंट्स के अंदर काफ़ी कम चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगी हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर, LED DRL, फॉग लैम्प्स, LED टेल लाइट्स, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉयलर, 15 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, रूफ माउंटेड एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स जैसे आपको फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। बम्पर्स के अंदर आपको ज़रूर चेंज देखने के लिए मिलेगा और जो फ्रंट ग्रिल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। वहीं बैक लुक में आपको जो रियर बम्पर है वो कुछ चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लैक कलर्ड ऑल थीम आपको देखने के लिए मिलेगी इसके डैशबोर्ड में। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील विद मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स, इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इस बार मिलने वाला है जो टॉप वेरिएंट होगा स्विफ्ट का। फ्रंट एंड रियर 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स, 8 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले विद सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, इसी में नेविगेशन, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस जैसे फीचर्स भी एड ऑन मिलेंगे। पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, नेविगेशन, HD रिवर्स कैमरा जैसे आपको प्रीमियम फीचर्स इस बार देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लेंथ की, विड्थ की, तो उसके अंदर बिल्कुल भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेंथ सेम रहने वाली है 3840, विड्थ 1500, हाइट 1695, व्हील बेस 2450 और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 163 mm। वह बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। सेफ्टी फीचर्स में इस बार कोई कमी नहीं रखी जाएगी। डुअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स सेंसर, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट और ऑटोनॉमस पार्किंग ब्रेक, लेन डिपार्चर वार्निंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये 3 फीचर्स इस बार आपको एड ऑन मिलेंगे ऑल न्यू स्विफ्ट फेसलिफ्ट वर्जन 2020 में। वहीं अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर्स आपको मिलेंगे इसमें ऑरेंज, रेड, मिडनाइट ब्लू, सिल्की सिल्वर, पर्ल, आर्कटिक वाइट और मैग्मा ग्रे, आपको टोटल इसके अंदर 5 कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्राइसिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मैं आपको ओवरऑल एग्जांपल दूँ तो 5 lakh rupees टू 9 lakh rupees एक्स शोरूम प्राइस तक आपको इसका देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऑल न्यू स्विफ्ट के बारे में क्या कहना है, कि मार्केट में अभी चलेगी या नहीं चलेगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।